नमस्कार। आज मैं लाई हूँ बिना प्याज लहसुन के आलू गोभी की लस्सेदार सब्जी। इसे आप कभी भी झटपट बना सकती हैं, तो आइए बनाते हैं। वेलकम टू माय चैनल फन फूड एंड स्माइल। इसे बनाने के लिए एक गोभी लेंगे, उसे छोटे छोटे पोर्शंस में काट देते हैं। और नमक पानी के घोल में अच्छे से उबाल लेंगे। पांच मिनट हो गए हैं, अब इसे हम छान के निकाल लेंगे। अब एक कढ़ाई लेते हैं। कढ़ाई में एक टेबलस्पून तेल लेंगे। यहाँ मैं सरसों तेल का यूज़ कर रही हूँ, आप अपने पसंद के कोई भी तेल यूज़ कर सकती हैं। अब इसमें गोभी के टुकड़ों को उबाल के रखा था, उसे इसमें डाल के अच्छे से फ्राई कर लेते हैं। 3 से 5 मिनट तक फ्राई करेंगे चारों तरफ से चलाते हुए, और उसे भी अलग बर्तन में निकाल लेंगे। अब 1 इंच के लगभग अदरक लेंगे और इसे छिल के इसे छोटे छोटे टुकड़ों में चॉप कर लेंगे। अब 2 मीडियम साइज के टमाटर लेंगे और इसे रफली काट लेते हैं। अब जिस कढ़ाई में हमने गोभी फ्राई किया था, उसी में थोड़ा और तेल डाल के गर्म कर लेंगे। अब थोड़ा सा जीरा, 2 तेज पत्ते, 2 हरी इलायची, 3-4 लौंग, बड़ी इलायची के कुछ दाने और चॉप किया हुआ अदरक, इन सबको डाल के अच्छे से मिला लेंगे। 1 मिनट के बाद चॉप किया हुआ टमाटर, उसे भी इसमें डाल देते हैं। अब स्वाद अनुसार नमक डाल के सॉफ्ट होने तक ढककर रहने देंगे। 5 से 10 मिनट में टमाटर अच्छे से नरम हो जाएगा। तो आइए मसालों की तैयारी करते हैं। 1 बाउल में 1 टीस्पून हल्दी, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून धनिया पाउडर, 1 छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1 चम्मच कश्मीरी मिर्च, इन सब मसालों को हल्का सा मिला के इसमें पानी डाल के एक स्मूथ पेस्ट बना लेंगे। अब देखिए टमाटर गल गया है, अब इसमें ये पेस्ट ऐड कर देंगे। उसी बाउल में थोड़ा पानी डाल के उसे भी ऐड कर देंगे कि मसाले जले नहीं, और इसे अच्छे से चला देंगे। इसे ढककर 10 मिनट के लिए रहने देंगे। साइड में ऑयल दिखने लगा है, तो अब इसमें हम गोभी को डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। तो उबले हुए आलू लिए थे, उसे भी रफली काट लिया था, उसे भी डाल देते हैं, और उसके साथ साथ हरे मटर को भी डाल के अच्छे से मिक्स कर लेंगे। इस तरह से आप सब्जी बना के देखिए, सभी को बहुत पसंद आएगी। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आए
तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा और अपने दोस्तों में भी इसे स्प्रेड कीजिएगा। देखिए आलू गोभी पे कितना अच्छा कलर आ गया है, अब मसाले भी कोट हो गए हैं। अब एक चम्मच गरम मसाला इसमें ऐड कर देंगे। अब इसमें एक ग्लास के लगभग पानी डाल देंगे और ढककर 10 मिनट तक मीडियम फ्लेम पे रहने देंगे। इसकी कंसिस्टेंसी आप अपने अकॉर्डिंगली एडजस्ट कर ली सकती हैं। ये रोटी चावल पूरी किसी के साथ भी कभी भी खाया जा सकता है। इसे आप ज़रूर ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट करके बताइए ये आपको कैसी लगी। थैंक यू।